तो मैं यही कहूंगा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बदले की भावना रखें यदि आपको कोई अत्याचार कर रहा है शोषण कर रहा है फिजिकली मानसिक रूप से परेशान कर रहा है आपकी बहन बेटियों को कोई परेशान कर रहा है छोड़ो मत बिल्कुल भी मैं यही कहूंगा पूरी तो तो तरह से कानून के जो है जानने वाले है। तो कानून बाद में आएगा सेकंड नंबर पर आता है कानून तो कानून पहले पे थोड़ी आ जाएगा क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ले आओगे आईपीसी को ले आओगे पहले लगा दोगे क्या पुलिस तक नहीं आएगी हिंसा नहीं है ये तुरंत जो तुम्हारे पास गांधी जी, गा। तो जी, जी, जी का कानून उनका साथ हो गया तो बहुत ही कम हो होते, होते हैं जस्टिस कर्णन तो जी हाँ बिल्कुल कहा मनुवादी मानसिकता के जो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे उन्हें पच तो नहीं रहा था जस्टिस कर्णन ने अपने लाइफ में सत्ताईस हजार से भी ज्यादा जजमेंट उन्होंने पास करी ंडन जी इतने होशियार जस्टिस रहे हैं तो है। है, वो आई हाँ, है, एस हुए हैं वो भी तो भी तो बात बता रहे थे जब देश आजाद हुआ था बिल्कुल अत्याचार तो बाबा साहब के साथ भी हुआ था शुरू से लेके मैं यही तो कह रहा हूँ कब तक सहते रहोगे आप बताइए मैं यही कह रहा हूँ बिल्कुल सहना बंद कर दो जिस दिन सहना बंद कर दोगे उस दिन तुम पे अत्याचार होने बंद हो जाएंगे ये तुम सह रहे हो इसलिए अत्याचार हो रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि रामराज चल रहा है और बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है इस समय यहाँ कोई परेशान नहीं है अभी एक रायबरेली की घटना है कल की टीवी पर मैंने देखी कि एक स्टूडेंट को जो छात्र है वो अपनी माँ ने जो उसकी माँ ने काम किया था वो पैसे मांगने के लिए गया उसे उसी बात पर इतना मारा इतना मारा बेल्टों से मारा जूतों से मारा और पैर पैरों के तलवे तक चटवाए उस पर मतलब इतना अपमान किया उस आदमी का उसका जो अपना स्वाभिमान था वो ख़त्म कर दिया है तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही निंदनीय शर्मनाक और बहुत ही खतरनाक घटना है और ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी जो इस समय आई है अभी तो स्टार्टिंग ही है उनका दूसरा टैन ओवर चालू हुआ है अभी तो पाँच साल पूरे बचे हुए हैं तो पाँच साल में तो कितने वो लोगों को परेशान करेंगे दलितों को परेशान करेंगे और इस समय पूरी बीजेपी के वो जो काम करने वाले हैं वो भी बीजेपी वाले ही हैं जिन्होंने उन्हें मारा पीटा है तो मेरे को लगता नहीं कि इस समय वहाँ पर अच्छा राज चलेगा पाँच साल में बहुत ही बुरा हाल होगा हमारे स्टूडेंटों का हमारे लोगों का हमारी कम्युनिटी का बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे वो ये कौन लोग हैं जो इस तरह से प्रताड़ना करते हैं वो कोई को लोग नहीं वो केवल बीजेपी के लोग हैं आर के कैंप के चल रहे हैं उन लोगों को वो भड़काते हैं परेशान करने के लिए और इसी तरह की घटनाएं आए दिन हमारी बहनों के साथ हमारी बहन बेटियों के साथ रेप आए दिन हो रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है कोई लड़की स्कूल जा रही है स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा रास्ते में परेशान कर रहे हैं हमारा कोई लड़का पढ़ाई में ज़्यादा उसी आ रहा है उसे परेशान किया जा रहा है हमारा कोई बॉडी बिल्डर में बढ़िया है तो उसे और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में हमारा जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का काम किया जा रहा है पूरी तरह से कानून का डर नहीं है कह कानून का डर नहीं समस्या ये है कि एक र, आपके राहुल नागपाल जी हैं हमारे पत्रकार उनकी कविता है कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं हैं हम हमें मालूम है साहब तुम्हें इस बात का है गम तुम्हारी तोहफर बंदूकों से हम अब नहीं डरेंगे तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं वो उनकी इस टाइप की है और हमारे वीरों की गाथा कोरे गांव सुनाता है और खून के किस्से सारंगपुर सुनाता है इस तरह की बहुत अच्छी उनकी कविता है तो हमारे जो लोग हैं वो दबने वाले तो हैं नहीं हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने गुलामी नहीं देखी है ठीक है ना देश को पचहत्तर साल आजा आज़ाद हो गए हैं तो हमारे जो बच्चे हैं अब इतने इतने कॉन्फिडेंट इतने उनके अंदर कॉन्फिडेंस है इतने पढ़े लिखे हैं आए दिन मेहनत कर रहे हैं तो वो दबने वाली बात नहीं है अब उन्होंने कोई भी घटना होगी उसका जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ में अभी एक मैं लास्ट ईयर की घटना बताता हूँ हमारे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में गांव है गड़ाना गांव उस गड़ाना गांव में एक ठाकुर था ठाकुरों का वर्चस्व है वैसे भी गवर्नमेंट ठाकुरों की चल रही है अभी भी और पहले भी वो क्या करता था दलितों की जितनी भी बारात जाती थी दो दू, लोगों को उतार लेता था घर के सामने घर के उसके जैसे उसके घर के सामने जाते थे तो दो को अपने उसकी घोड़ी से उतार लेता था अब सब तो सहन नहीं कर सकते अब नौजवान लड़का था उसने सोचा मेरी गाड़ी मेरी मेरी बारात को भी उतारेंगे उसने निकाली पिस्टल लौट ठाकुर साहब ठाकुर साहब तो पहुंचा दिए उसके बाद में वहां जितनी भी बारात चढ़ी आज तक ना किसी ने रोकी है और ना रोकेगा तो मैं यह कहूंगा जब तक आप लोगों के अंदर साहस नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी कौन कहाँ कानून आप कानून के ऊपर रहेंगे पुलिस के ऊपर रहेंगे पुलिस बहुत थोड़ी है कानून का तुम तो जान ही रहे हो कितना बुरा हाल है यदि उनके सहार अपना बचाव ढूंढोगे पुलिस के और कानून के तो मेरे को लगता नहीं कि ये काफ़ी पिछहत्तर साल में जब नहीं हो पाया और जवाब देना ही होगा अपने सेल्फ डिफेंस में मानना ही पड़ेगा इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको सेल्फ डिफेंस में ज़रूर कुछ ना कुछ करें आप आवाज़ उठाएं बाबा साहब ने भी कहा था कि हम जब भी कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका विरोध करना बहुत जरूरी है विरोध दर्ज कराना जरूरी है विरोध कैसा हो सकता है आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ लोग कहते हैं कि कलम की ताकत ज्यादा होती है तलवार की ताकत से हाँ बिल्कुल होती है कलम की ताकत अब बीजेपी की सरकार है तो कलम की ताकत तो बीजेपी सरकार के हाथ में भाई उन्हीं के ऊपर से नीचे तक सारे पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर वो बैठे हुए हैं सारे जो कानून को फॉलो कराएंगे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराएंगे इम्प्लीमेंट कराएंगे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सारी न्याय व्यवस्था बेकार हुई पड़ी है इसलिए पुलिस काम नहीं कर रही है तो सारी समस्या इसलिए आज तक जो भी हो रहे हैं ये यदि पुलिस चाहे तो एक बच्चे की कलम क्या एक एक, टॉय भी नहीं खू सकता लेकिन जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है हमारे देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो चाहे उड़ीसा हो वहाँ पर जो बीजेपी के बहुत सारे संगठन है वो तो खुद तलवार लेकर चल रहे हैं चाकू लेकर चल रहे हैं पिस्टल लेकर चल रहे हैं आपसे तो ज्यादा मजबूत है बैठाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं लेकिन वो डराने का काम कर रहे हैं बहुत बहुत थोड़े लोग हैं हमारे भी बहुत लाखों संगठन है दलितों के संगठनों में कमी थोड़ी है बहुत लेकिन हम क्या है कि हम बाबा साहब की विचारधारा पर चल है, रहे हैं बाबा साहब शांति प्रिय व्यक्ति रहे हैं पूरे जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने यही संदेश दिया कि शांति के साथ और अपने कानून को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए अभी आप की बात बिल्कुल तो वो बाबा साहब का संदेश था लेकिन उस जमाने में ऐसा था लेकिन आज जमाना बदल चुका है अब एक बात बताइए जब आपके घर वालों को कोई मारने लगा आपकी बहन बेटियों के साथ रेप करने लगाया आपके भाई को कोई जान से मारने तो आप क्या करोगे क्या पुलिस को बुलाओगे क्या, कोर्ट में जाओगे उस समय आप गांव में हो थाने से बीस किलोमीटर दूर पचास किलोमीटर दूर जहां पॉसिबिलिटी नहीं है कितनी जल्दी पुलिस आ जाए तो आप सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करोगे तो मैं जो भी बात करता हूं, जो भी मैं कहता हूं, डिफेंस के लिए कहता हूं। ना कि फर्स्टली आप किसी को हमला करें किसी के ऊपर आप डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं तो इसलिए मैं डिफेंस की बात करता हूँ फिर भी दलित भाइयों से फिर एक बार मैं कह रहा हूँ अपने डिफेंस को ध्यान में रखें डिफेंस में आप सब कुछ कर सकते हैं मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है इसलिए क्योंकि तो हमारे पास ये प्रोविजन इस तरह के हैं कि हम डिफेंस में सब कुछ कर सकते हैं जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो उनमें पिस्टल लहराते हैं तलवार लहराते हैं चाकू लहराते हैं और जो दलितों की शोभा यात्रा होती है बाबा साहब वगैरह उसे झंडे लेकर चलते हैं संविधान लेकर चलते हैं हाँ यही तो अंतर है हम में और उन लोगों में वो देखिए उन्होंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आर एस एस हिंदू वाहिनी जितनी भी समूह हैं आप डराने के लिए वो जब जल्लूस निकालते हैं सबके हाथों में अभी सही कह रहे हैं तलवार हैं बंदूकेंदाल है, बहुत सारे हथियार होते हैं वो इतने मतलब डरा देते हैं इतना डरा देते हैं उन डराने का काम दो दो कम्युनिटीज के लिए एक मुस्लिम के लिए और एक दलितों के लिए उन दोनों को डराना डराना चाह रहे हैं ताकि उनसे डर जाए लेकिन मैं कहूँगा उन लोगों से बिल्कुल ना डरें किसी भी कीमत पर ना डरें उनका मुकाबला करें यदि आपसे वो परेशान करते हैं या आपके खिलाफ में काम करते हैं तो उसका बिल्कुल आप विरोध दर्ज कराएं हर कीमत पर जो दलित पीड़ित हैं जो अत्याचार सहते आ रहे हैं सदियों से उनके जो घर वाले हैं उन्हें खुद दबाने का काम करते हैं उन्हें समझाने का काम करते हैं उल्टे कि आप लड़ाई मत करना वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है यदि कोई शिक्षित हुआ तो वो दबेगा नहीं नहीं डरेगा तो मैं बाबा साहब का एक फॉलो बिल्कुल सिद्धांत करें कि शिक्षित बने जरूर सबसे पहले शिक्षित बने शिक्षित व्यक्ति सब कुछ काम कर सकता है

क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए हमें हम कैसे निपटेंगे इस समस्या से दिमाग आता है दिमाग खुलता है इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है जैसे राजस्थान हो गया मध्य प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश कुछ इलाका है बिहार झारखंड वगैरह यहाँ दलितों के जो शादियों में जो है अभी भी वो होता है जातिवाद होता आपने है आपने देखा होगा जितने भी ये इस तरह की घटनाएं होती हैं वो गरीब कमजोर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ शिक्षित रूप से पिछड़ा हुआ और सभी तरीके से मतलब पिछड़े हुए लोगों के साथ ही इस तरह की घटना होती है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते हैं वो बेचारे क्या जवाब दे पाएंगे वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं मुरझाए हुए हैं उनके चेहरे लटके हुए हैं अशिक्षित हैं पैसा नहीं है उनके पास दूसरों के खेतों में काम करते हैं ठीक है ना उन ठाकुरों को खेतों में काम करते हैं वही उन पर अत्याचार करते हैं वो सहते सहते उनका जमीर भी अब खत्म हो चुका है इन लोगों के साथ ही करते हैं आपने कभी पढ़े लिखे दलितों के साथ में ऐसे अत्याचार होते देखे कभी थान्मे... किसी दलित जज के साथ होते देखा कभी दलित एडवोकेट के साथ होता देखा है कभी डॉक्टर के साथ होता देखा कभी पुरुष आईपीएस के साथ किसी दलित के साथ ऐसा होता देखा है बताइए आपने कभी देखा हो राजस्थान में कॉन्स्टेबल

वो कमज़ोर घर से होगी वो तब ऐसा हुआ होगा तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये कब तक हम सहते रहेंगे आपका रीजन आप उसके पीछे पीछे जाकर रीजन देखो पिछहत्तर सालों में हम और देश आज़ाद होने से पहले और बाबा साहब के संविधान को लागू होने के बाद ये सारी समस्याएं हमारे साथ ही क्यों होती है दलितों के साथ ही इस तरह के अत्याचार क्यों होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम आसानी से उन्हें सह लेते हैं जिस दिन सहना बंद कर दिया आपने ठीक है ना उस दिन ये सब होने बंद हो जाएंगे